एक दफा का जिक्र है कि समंदर के किनारे एक बहुत प्यारा सा पेंगुइन रहा करता था। वो एक छोटा सा बेबी था जो कि अपने मामा पापा के साथ रहा करता था। वो वहाँ बहुत खुश था। जब वो पेंगुइन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने सोचा, हर वक्त हम सिर्फ पानी पे या फिर समंदर के किनारे पर ही रहते हैं, हम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं चले जाते। मेरा बहुत दिल चाहता है कि जो आस पास हरा भरा सब्ज जंगल है, मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ और खूब इंजॉय करूँ। उसके मामा बाबा ने उसको समझाया कि तुम जहाँ पर हो वहीं पर महफूज हो। हर जानदार के लिए उसका घर ही सबसे महफूज पनागा होता है और हमारे लिए ये माहौल बहुत अच्छा है। और हम हमेशा समंदर के किनारे या पानी पर हो ही तो नहीं रहते, हम बर्फ़ पे भी तो आते हैं, हम बर्फ़ पे कितना खूब इंजॉय करते हैं। तो पेंगुइन ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन उसने अपने दिल में पक्का इरादा बना लिया था कि वो इस समंदर के साहिल से कहीं दूर चला जाएगा और जंगल में जाकर देखेगा कि वहाँ पर कैसे जानवर रहते हैं, कैसी चीज़ें हैं। एक दिन जब छोटे पेंगुइन के मामा पापा अपने घर का कामकाज कर रहे थे तो छोटे पेंगुइन को मौका मिल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जंगल की जानब जाने लगा। जंगल की जानब जाते हुए रास्ते में उसको एक उसका दोस्त पेंगुइन मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं जंगल में जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर खूब इंजॉय करूँगा। तो उसने कहा, तुम मत जाओ, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन छोटे पेंगुइन ने अपने दोस्त की कोई बात ना सुनी और वो जंगल में दाखिल हो गया। जब वो जंगल में दाखिल हुआ तो उसको वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लगा। वो बड़े बड़े सरसब्ज दरख्त को देखने लगा और वहाँ पर लगे फलों को देखने लगा। वहाँ पर बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी फूलों की और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। छोटा पेंगुइन इस सब को बहुत एंजॉय कर रहा था। लेकिन ये क्या, एक लोमड़ी काफ़ी देर से छुपकर उस पेंगुइन को देख रही थी। वो इसको तब से देख रही थी जब से वो समंदर के साहिल से जंगल की जानेब आ रहा था। लोमड़ी ने को पता चल गया कि ये अपने मामा बाबा को बताए बगैर इस जंगल में आया है और बिल्कुल अकेला है। वो लोमड़ी उस पेंगुइन के पीछे पड़ गई और उसका पीछा करने लगी, जिसकी पेंगुइन को बिल्कुल भी खबर नहीं हुई। अचानक ही वो लोमड़ी छलांग लगाकर पेंगुइन के सामने आ गई और उसको खाने की कोशिश करने लगी। पेंगुइन इधर उधर भागा, कभी वो किसी दरख्त के पीछे छुपता, कभी वो किसी छोटी सी पहाड़ी के पीछे छुपता। लेकिन वो पेंगुइन समंदर के किनारे रहने वाला था और रेत पर चलने का आती था और बर्फ पर चलने का आती था। उससे जमीन पर और घास पर बिल्कुल अच्छे से चला नहीं जा रहा था। लोमड़ी के भागने के मुकाबले में पेंगुइन की स्पीड बहुत कम थी। उसने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सका और लोमड़ी ने अचानक से छलांग लगाकर उसको पकड़ लिया। तो पेंगुइन ने उसको कहा, तुम मुझे क्यों खाने लगी हो? मैं तो तुम्हारे जंगल में मेहमान बनकर आया हूँ, अपने मेहमानों को कौन खाता है? तो लोमड़ी ने कहा, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? हमने तो तुम्हें इन्वाइट नहीं किया, तुम किस तरह से हमारे मेहमान बन गए? तुम्हें अपने घर पर ही रहना चाहिए था। यहाँ पर अगर तुम्हें मैं नहीं खाऊंगी तो तुम्हें कोई और खा जाएगा। इस जंगल में बहुत से बड़े बड़े जानवर हैं। इतना कहकर वो लोमड़ी कड़ाप से उस पेंगुइन को खा गई। उधर दूसरी तरफ पेंगुइन के छोटे दोस्त ने उसके मामा पापा को जाकर बता दिया कि पेंगुइन जंगल की तरफ गया है। जब उसके मामा पापा को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वो लोमड़ी उस पेंगुइन को खा चुकी थी। उसके मामा पापा जंगल में आए, उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उनको अपना बेटा नहीं मिला और वो रोते हुए वापस साहिल पर आ गए। और उन्होंने सोचा, हमने अपने बेटे को कितना समझाया लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। और इस तरह एक नन्हे से पेंगुइन ने अपने मामा पापा की बात नहीं मानी और अपने घर को छोड़कर जंगल की जानिब चला गया, जिसकी वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, आपको भी अपने मामा पापा की हर बात माननी चाहिए। वो जो कहें, जैसा कहें, आपको बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए।